जो जेजेपी है वो कह रही थी अगर इसको यमुना पार करो, और ये कहते 75 पार, एक दूसरे को कह रहे थे स्वार्थ में बन गए यार। 2024 के लिए फिर 75 पार, पिछली बार नारा दिया था 75 पार तो आई 40, आपको 75 पार देंगे तो 20 भी नहीं आएंगी। कौन सा नेता नाम बताओ ना मेरे को? जुगेंद्र चौहान साहब। कौन जुगेंद्र चौहान? जुगेंद्र चौहान आपके कांग्रेस नेता कौन? तो कांग्रेस का, तू भी कांग्रेस में शामिल हो जा। उन्होंने ये कहा कि अगर ईमानदार को टिकट दी जाए तो करनाल की सीट निकल सकती है, अगर बेईमान को देंगे तो शामिल हो जाए। जनता तो बीजेपी पार्टी को वोट दे रही है। कहां कितनी सीट आई थी? तीन राज्यों में जीत गई है। जोड़ तोड़ की राजनीति है ये। एक जो जेजेपी है वो कह रही थी अगर इसको यमुना पार करो, और ये कहते 75 पार, एक दूसरे को कह रहे थे स्वार्थ में बन गए यार। सरकार बना ली, इनकी मेजोरिटी आई है कोई बीजेपी की? सर भारत जोड़ो के बाद भी से थी वो मेजोरिटी भी नहीं आई थी इनकी, हाँ बार बार दे रही है, अब के बिल्कुल ही सफाया हो जाएगा। हरियाणा में भी लगातार दो बार आई है बीजेपी पार्टी। मैं बता रहा हूँ दोबारा कितनी सीट आई थी, किससे किसकी समर्थन में सरकार बनी, कोई बहुमत आया सरकार बीजेपी पार्टी का? 2024 में सर दोबारा फिर 75 पार का नारा दे दिया गया, तो क्या कहना है जी? 2024 के लिए फिर 75 पार, पिछली बार नारा दिया था 75 पार तो आई 40, आपको 75 पार देंगे तो 20 भी नहीं आएंगी। सर हुड्डा साहब की और विज साहब की मीटिंग के बाद ये फैसला आया है कि एक बड़े अधिकारी को हेल्थ डिपार्टमेंट से हटाया जाएगा। देखिए लोगों की ध्यान रखना चाहिए, ये कोई कह हम लोगों ने जो सरकार चुनी है आपस के उसके लिए नहीं चुनी है, जनसेवा के लिए होती है। सर 2 नवंबर को करनाल अमित शाह आए थे तो उनके द्वारा बयान दिया गया था कि पहले मुख्यमंत्री कभी रोहतक का बनता था कभी सिरसा का बनता था, पहली बार पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री बना। करनाल का नहीं मानते उनको? जी सर वो कहते हैं कि पूरे हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे वो पर तो है ही, वो तो हमारा दो था, जिनका क्या है। हुड्डा साहब आपके कांग्रेस कांग्रेस के लीडरों ने ही आपके कांग्रेस के नेताओं पे आरोप लगाया कि यहाँ भ्रष्टाचार को टिकट दी जाती है दूसरों को नहीं जाती, जो नेता भ्रष्टाचार करते हैं उनको टिकट जाती है, क्या इस बार ईमानदारी से नेता ने लगाया ऐसे? आपके कांग्रेस के नेता कौन सा नेता नाम बताओ ना मेरे को? जुगेंद्र चौहान साहब। कौन जुगेंद्र चौहान? जुगेंद्र चौहान आपके कांग्रेस नेता कांग्रेस का, तू भी कांग्रेस में शामिल हो जाए। उन्होंने ये कहा कि अगर ईमानदार को टिकट दी जाए तो करनाल की सीट निकल सकती है, अगर बेईमान को देंगे तो शामिल हो जाए। हमारी शैलजा पद यात्रा निकाल रही है तो इसमें मतलब क्या कांग्रेस एक यूनाइटेड फेस दिखाएगी? यूनाइटेड फेस का क्या मतलब हुआ? यूनाइटेड है कांग्रेस, फेस का क्या मतलब? बाकी कोई अपनी प्रचार करे अपना करे, कांग्रेस का प्रचार ज्वाइनिंग्स काफी हो रही है दूसरी पार्टियों के नेता, जहां तक मेरा सवाल है जहां कांग्रेस पार्टी का अधिकृत प्रोग्राम होगा उसमें जाऊंगा। हुड्डा जी ज्वाइनिंग्स काफी हो रही है कांग्रेस में, दूसरी पार्टियों के कोई नेता भी संपर्क में है बड़े नेता? कितने तो XML ज्वाइन कर चुके, कितने कर चुके 28-29 कितने कर चुके, और भी करेंगे।